वेलकम बैक, दिस इज टुडे वेट्स एंड आई एम योर आशुतोष सर। तो तीन सेगमेंट हम इस वीडियो को देखेंगे, तो आप ये मत समझिए कि अगर आपने पहला सेगमेंट देख लिया तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो हर एक सेगमेंट को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उसको टाइम दीजिएगा, ठीक है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं और आप ये कोशिश करिएगा कि पूरी वीडियो देख पाएँ। सबसे पहले हम नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। नंबर लाइन से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये जरूर सही से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो दो सेगमेंट हमारे पास है, दो सेगमेंट यानी कि दो वक्त हमारे पास है, दो टाइम जोन। एक ऐसा टाइम जोन जो जो नंबर के साथ साथ भी वो आगे बढ़ता है, और एक ऐसा टाइम जोन जो पीछे की ओर जा रहा है और नंबर धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं लेकिन वो टाइम जोन छोटा है। अभी देखिए आपको समझ में नहीं आया ना, अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ये जो जो मैंने पीछे बीच में जो लाइन लिखी है, ये लाइन खींची है जो, इसको आप बोलेंगे बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्या बोलेंगे? बर्थ ऑफ क्राइस्ट या जीसस क्राइस्ट, जिस समय ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, ठीक है। उस दिन के बाद का वक्त ये इधर वाला है और उनके जन्म के पहले का वक्त इधर है। इतने समझ में आ गया? अब देखते हैं, जो उनके जन्म के बाद का वक्त है उसको हम पढ़ते हैं या तो एडी में और या फिर उसको हम पढ़ते हैं सीई में, ठीक है। तो एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है, नहीं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, लिख देते हैं हम आपको आपके लिए ANO DOMINI। तो एडी की मीनिंग होती है, फुल फॉर्म होती है यानी एनो डोमिनी। और सीई का जो नया वर्जन है, ये सीई कोई नया टर्म नहीं है, ये एडी जो है बहुत पहले यूज़ करते थे, सीई जो है उसका न्यू वर्जन कह सकते हैं, फिर न्यू टर्म या न्यू इसका रिप्लेसमेंट है एक तरीके से। तो सीई का क्या होता है फुल फॉर्म? कॉमन ईरा, ERA, ठीक है। तो ये दो इधर आते हैं और इधर देखिए क्या आता है, इधर सबसे पहले आएगा जो पुराना टर्म है BC और उसी का नया टर्म क्या आ गया BCE। तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और BCE का होता है बिफोर द कॉमन ईरा। द लगाइए चाहे लगाएं लेकिन लगाना चाहिए, बिफोर द कॉमन ईरा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म ऑफ टर्न, ठीक है, और कौन सा टर्न किस जोन में लाए करेगा, ठीक। अब हम आपको थोड़ा सा इसमें हम रेंज बताते हैं, ठीक। तो रेंज में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि दोनों वक्त की स्टार्टिंग वन से होती है, वन इन द सेंस ऑफ काउंटिंग वन से होती है। हालांकि ये तो अच्छे से स्टार्ट होता है वन से, लेकिन ये जो टर्म है यहाँ का, इस तरफ का, इस डायरेक्शन का, यहाँ पे वन बी सी यानी एक बी सी तक पहुँचने में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है। वो मिसकॉन्सेप्ट इन द सेंस ऑफ बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, मिलेनियम तक जाना पड़ता है, एक मिलेनियम में जो है 1000 BC आते हैं। अब वो जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि वो अभी आपको बताने की ज़रूरत है, मैं आपको सिंपल समझाना चाहता हूँ। तो इसमें जो स्टार्टिंग दोनों की वन वन से होती है, ठीक है। लेकिन ऐसे कि हमें ये हम इस वक्त में नहीं है। तो हम इस वक्त में लाए करते हैं। अगर रेंज हमें पढ़ना है तो रेंज में पढ़ने से पहले जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, ठीक। वो चाहे इस तरफ के लिए हो चाहे इस तरफ के लिए, तो एक सेंचुरी में हमारे 100 ईयर्स होते हैं। इस पार्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये थोड़ा ऑब्स्टेकल वाला पार्ट है, उसको नहीं देखना है। तो अभी इधर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम सेंचुरी में एग्जांपल लें 21st सेंचुरी, ठीक, और चाहे इसको हम एडी में लिख लें और चाहे सीई में लिख लें। लेकिन हम सेंचुरी की बात करते हैं तब वहाँ पे जो है वो नहीं आता, क्या कहते हैं, एडी और सीई नहीं आता, ठीक है। वहाँ सेंचुरी डैट लिखते हैं, 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी, तब ये बोल सकते हैं, ये हम जरूर बोल सकते हैं 21st सेंचुरी ऑफ, क्या बोल सकते हैं, 21st सेंचुरी ऑफ CE, 21st सेंचुरी ऑफ AD, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी हम रेंज जान लेते हैं। रेंज क्या है इसकी, देखिए 21st सेंचुरी की रेंज ये होगी कि रेंज इन द सेंस ऑफ उसका टाइम जोन कितना होगा। तो आप 2000 से ले करके 2100 तक ये इसकी रेंज है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कब होगी, जब यहाँ पे ये वन आ जाएगा, और एंड कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई, और जैसे ही यहाँ पे वन लग जाएगा तो तब 22nd सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि इधर वन आएगा और इधर ख़त्म होगा, इधर वन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जब 100 की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वन से होती है और 100 पे ख़त्म हो जाती है, तो हमें 100 ईयर से मतलब है। तो जब जैसे ही 2001 लगा था तो वैसे ही हमारी 21st सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने बात की कि 14th सेंचुरी की रेंज क्या है, अगर आपको रेंज क्लियर है तो आप किसी भी डेट को देख के बता सकते हैं कि वो कौन सी सेंचुरी से आता है। इसकी रेंज होगी 13
1301 से लेके 1400 तक, ये इसकी रेंज है। आप चाहे तो यहाँ पे सी ई लिख सकते हैं, कॉमन ईरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे वन होना चाहिए। मैं इसलिए क्यों बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वन कहीं और आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे वन आएगा, और यहाँ पे जैसे ही जीरो हो जाएगा वो सेंचुरी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे वन आएगा थर्ड, उसके बाद 15 सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ शेक्सपियर की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम 1564 होती है उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो 1564। अब देखिए 1564 को हम किस सेंचुरी बोलेंगे, कौन सी सेंचुरी होगी ये? तो 15 सेंचुरी तो ख़त्म हो चुकी है, देखिए 1500 ख़त्म हो चुका है ना। तो जैसे ही 1500 वन लगा था तो कौन सेंचुरी लग चुकी थी, 16 सेंचुरी लग चुकी थी। तो 1500 जब वन लगा था और तब से लेके 1600 तक, इसके बीच की जो भी डिजिट होगी वो 16 सेंचुरी कहलाएगी, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है मैं 3-4 एग्जांपल लिया आपको 16 सेंचुरी, या फिर यहाँ पे सेंचुरी को पढ़ना आसान हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान सुनेगा, क्योंकि ये अभी आप बहुत ट्रिकी है। जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं, थर्ड सेंचुरी लेते हैं, थर्ड सेंचुरी, इसकी रेंज की बात करते हैं। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो 100 ईयर्स था वो 1 से शुरू हो रहा था, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5, तो असेंडिंग से स्टार्ट हो रहा था। तभी देखिए मैंने बोला ना यहाँ पे 1 होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहीं से स्टार्टिंग होगी सेंचुरी की। तो ये 1 से 100 पे यहाँ पे देखिए ख़त्म हो गया और 1 से शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसकी स्टार्टिंग 100 से शुरू होगी और 1 पे जाके ख़त्म होगी, ठीक है। फोर्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी, तो इसके रेंज हम देखते हैं। तो इसकी जब थर्ड सेंचुरी 3 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे 300 लिख लीजिए, ठीक है, ये आसान रहेगा ना। फोर्थ लिखा हुआ है 400 लिख लीजिए, फिफ्थ लिखा हुआ है 500 लिख लीजिए। जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, जहाँ जो लिखा हुआ है वो आप उसको नहीं लिख सकते, उसके एक डिक्रीज करना पड़ता था आपको। जैसे 21st सेंचुरी लिखी हुई थी तो आपको 2000 से स्टार्ट करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप थर्ड सेंचुरी लिखिए तो आप 300 लिख लीजिए, फोर्थ सेंचुरी लिखिए तो 400। अब इसकी देखिए, जब ये 100, ये क्या है 100, ये 100 है यहाँ पे, तो अब इसको आप डिक्रीज करिए तो क्या आएगा इसके बाद, 99 आएगा ना। 100 के पीछे क्या आएगा, 99। तो वैसे ही 300 के पीछे कौन सा आएगा, 299, उसके पीछे 298। तो इस तरह करते हुए आप अगर 100 तक गिनेंगे तो 201 पे जाके ख़त्म होगा, समझ में आ गया। तो ये आ गई आपकी रेंज। अब अगर किसी ने पूछा कि 298 सेंचुरी, ठीक है, 298 सेंचुरी कह रहे हैं इसको, हम इसको क्या पढ़ेंगे हम, 298 BCE में कोई पैदा हुआ तो बताओ कौन सी सेंचुरी थी उसकी। तो 298 यानी थर्ड सेंचुरी थी उसकी, ठीक है। आई होप आपको ये जो है ट्रिकी लग रहा होगा, माइंड में भी ये बैठ नहीं रहा होगा। अब देखिए फोर्थ सेंचुरी की जो रेंज आएगी वो 301 तक जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग 400 से लेकर के हुई है और 301 तक जाएगी। अगर इसी में कोई एग्जांपल लें कि हमने बोला 325, अब ये 325 BCE लिखा हुआ है, अब BCE लिखा हो इसमें किसी, इसकी जो है जो डेट ऑफ बर्थ किसी की रही होगी 325, तो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करेगा, तो वो फोर्थ सेंचुरी ऑफ BCE से बिलोंग करेगा। फिफ्थ सेंचुरी की क्या रेंज होगी, 500 से लेके 401 तक इसकी रेंज होगी। अगर इसमें किसी डेट ऑफ हम बात करें 425, प्लेटो के समय में पहुँच गए हम, ठीक है, बता रहा हूँ प्लेटो के समय पहुँच गए, तो प्लेटो और इसमें जो है आपका अरिस्टोटल का वक्त भी आ गया, और भी जितने ग्रीक से पोएट्स है सब ये सब उसी इसी वक्त में है। तो ये जो सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी कहलाती है, ठीक है, सोफिकल्स भी आ गए थे अभी, तो फिफ्थ सेंचुरी की ये 500 से लेकर के 401 तक का जो रेंज है ये आपका फिफ्थ सेंचुरी कहलाता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपको रेंज मेजर करनी है, क्योंकि रेंज ही मायने रखती है। अगर आपको रेंज पता है आप सेंचुरी आसानी से पता कर ले जाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे मैंने एग्जांपल लिया 1509, ये मैंने एक डेट लिखा, तो इसमें अब आप कुछ भी बता नहीं सकते कि कौन सी सेंचुरी है, कि आप केवल आप ये बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 1509 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप सेंचुरी नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अभी मैंने इसके आगे कुछ लिखा नहीं, ना मैंने इसके आगे सी ई लिखा और ना ही बी सी ई लिखा। लेकिन जैसे ही हमने इसके क्या लिखा, सी ई लिखा, ठीक है, तब तक आप तुरंत ही आपके माइंड में क्या आ जाएगा, ये बात क्लिक करेगी कि ये वक्त जो है कौन सा है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का वक्त है। तो इसमें जो है जो डेट लिखी हुई है ये ख़त्म हो चुकी है, और कौन सी डेट लग चुकी है, क्योंकि इसकी जो रेंज है 1501 से लेकर के 1600 तक है ना, तो 16 सेंचुरी कहलाती है। तो
तुरंत ही आपके माइंड में आएगा कि ये कौन सेंचुरी है, 16 सेंचुरी है। और तो और ये जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि स्टार्ट कब हुई, 1501 से स्टार्ट हुई, 1509 की हम बात कर रहे हैं, तो इसको अभी स्टार्ट हुए तो 9 साल ही हुए हैं, ठीक है। 16 सेंचुरी को स्टार्ट हुए अभी केवल 9 ईयर्स हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम यही बोल सकते हैं अर्ली 16 सेंचुरी। अब देखिए यही एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं 1509, अगर मैंने इसके आगे लिख दिया BCE तो आपके माइंड फिर क्लिक करेगा कि ये वक्त तो जो है जीसस क्राइस्ट के पहले का वक्त है, क्योंकि BCE लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए ये भी हम कहेंगे 16 सेंचुरी ही है, लेकिन यहाँ मैंने बोला था अर्ली 16 सेंचुरी। अब देखिए यहाँ हम क्या बोलेंगे, पहले हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। मैंने देखिए यहाँ 509 लिखा हुआ है, तो ये 509 देखिए, ध्यान देखिएगा मैं इन तीन डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो ये अभी ख़त्म हो जाएगा जैसे ही 501 आएगा। जैसे मैंने ये भले ही चार डिजिट में लिखा हुआ है, मैं तीन डिजिट में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप 100 पे फोकस कर पाएँ। तो ये 501 पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 501 से तो शुरू हुआ है और इस यहाँ पे 100 आके ख़त्म हो गया, तभी यहाँ पे 600 हो गया, लेकिन ये यहाँ पे 501 में आके ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूर शुरू हुआ होगा ये 1600 से, 600 से शुरू हुआ होगा। तो देखिए आपको मिल गया कि ये कौन सेंचुरी है, ये आपकी 16th सेंचुरी है। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये ख़त्म होने वाली है, ये लेट 16th सेंचुरी है, इसको ख़त्म होने में जो है केवल 9 साल ही बचे हैं, ठीक है। और इसको शुरू हुए ही 9 साल हुए हैं, अब समझ में आ रहा है आपको। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि 526, अभी आप कुछ बोल सकते कौन सेंचुरी है, जैसे मैंने इसको लगाया CE तभी आपका फोकस कहाँ पे गया कि अब ये 526 तो 500 ख़त्म हो चुका, तो ये 6th सेंचुरी ऑफ CE है। लेकिन अगर यही नंबर को हम इधर लिखें जीसस क्राइस्ट के वक्त के पहले में लिखें, तो 526 अगर BCE लिख दिया मैंने, तुरंत ही आपके अंदर की रेंज क्या आएगी, अभी ये 526 है यानी 501 पे ख़त्म हो जाएगा, तो शुरू हुआ होगा 600 पे, ठीक है। तो 600 पे शुरू हुआ और ये ख़त्म हो जाएगा 501 पे, तो ये भी लगेगी 6th सेंचुरी, लेकिन ये जो है ख़त्म होने वाली है और ये बस अभी शुरू हुई है। तो ये छोटा सा फ़र्क है इसमें और इसमें, अगर सेंचुरी हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपके पास बस क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ से एक थोड़ा एक और क्वेश्चन मुझे याद है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई पर्सन जो है जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिस दिन वो पैदा हुआ 1502, ठीक 1502 क्या CE यानी आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ के वक्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है, AD की बात कर रहा हूँ, एनो डोमिनी की। तो जब 1502 में उसका बर्थ हुआ, अगर वो जो है 78 ईयर्स उसकी लाइफ साइकिल रहती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तब आप क्या करेंगे 78 इसमें प्लस कर देंगे, ठीक। तो अंतिम क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, आ जाएगा 1580 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1580 CE हो गया। अब देखिए एक और चीज़ देखिए यहाँ पे कि 1502 से वो इंसान जिया कितना था, 1580 तक, ऐसे हम लिखते हैं कि नहीं, इसको हम CE दोनों में लिखेंगे। तो ये हो गया उसका लाइफ साइकिल। लेकिन देखिए अगर इसी को हम इधर बात करते हैं, इस तरफ बात करते हैं, बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ के बात करते हैं, तो यही नंबर लेते हैं हम, तो 1502 में वो पैदा हुआ, ठीक। अब उसने 78 ईयर्स की लाइफ साइकिल, इतनी ज़िंदगी उसने जी, ठीक है, उसके पास डेथ हो गई। लेकिन अब ये इसमें प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा, इसमें माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1502 के बाद जो साल आएगा वो 1501 होगा, 1502 के इसके बाद जो साल आएगा वो 1503 होगा, क्योंकि इसमें 1 से हम 100 जाते हैं और इसमें हम 100 से 1 जाते हैं। ये बहुत छोटा सा फ़र्क है और इसी फ़र्क में पूरा खेल है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अभी इसका हम निकालते हैं, तो 78 इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में 4 गया 8 बचा, और यहाँ पे 9 में 7 गया 2, और यहाँ पे 4, और ये 1424। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, जो पैदा हुआ जिस डेट में पैदा हुआ, जिसमें इसमें बॉर्न हो, तो पहले ही आएगा, तो 1502 से उसका लाइफ स्पैन कितना है, 1424, और ये किस में जाएगा आपका, BCE में ले सकते हैं, या आप पब्लिक करके इसे BCE में ले सकते हैं, कोई भी ये न्यू टर्म है, आप इसका इस्तेमाल करिए। अब देखिए यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है, ये देखिए 1502 से 1580 जा रहा है, सेम हमने लाइफ स्पैन लिया जीने का, लेकिन ये 1502 से 1424 जा रहा है, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो अगर इतने में आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा है,
वरना तो फिर समझाने के लिए तो बहुत आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके समझ में आएगा। एक ही बार में समझ में नहीं आना, बहुत बार क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व करिए, अपने आप से डेट लीजिए, अपने आप से उसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। जितनी बार आप करेंगे उतने आपको आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई इंसान 526 BCE में पैदा हुआ है और दूसरा इंसान 520 BCE में पैदा हुआ है, तो बताइए बड़ा कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, तो क्या इसमें कौन सा बड़ा होगा? 526 बड़ा होगा कि 520 BCE बड़ा होगा? कॉमन सी बात है, हम उल्टा जाते हैं ना, तो 526 के बाद वाला साल कौन सा होगा? 525 होगा, फिर उसके बाद वाला 524 होगा, फिर उसके बाद वाला 523, फिर 522, फिर 21, फिर 20 आएगा। तो बड़ा कौन हुआ? ये, और छोटा कौन हुआ? 520। ठीक है, समझ में आ गया। अभी यही चीज़ इधर हुई होती तो फिर 520 बड़ा गया था, क्योंकि फिर ये आया था पहले। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये समझना है। आपको मुझे लगता है कि मैंने सेंचुरी समझा दी है और इधर भी पूरा समझा दिया बिफोर क्राइस्ट का। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं कोई और तरीका सोचता हूँ, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा और सब बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब जब हम बात करते हैं ग्रीक की, बहुत मैंने ग्रीक में बात की है, सॉरी ने बात की है, रिजिम में बात की है और आपका एपिक में बात की है, तो हर बार मैंने डेट मेंशन नहीं की वहाँ पे। मतलब मैं जब पढ़ा था तब नहीं मेंशन, मैंने नोट्स में मेंशन की है। मैंने इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि जहाँ मैंने लिखा कि 425 में एरिस्टोटल ने जन्म हुआ था BCE, मैंने यहाँ लिख दिया, तो अंतिम मुझे समझाना पड़ जाएगा कि BCE क्या हुआ, कौन सा वक्त हुआ, इसलिए मैं डेट मेंशन नहीं कर रहा था। तो मुझे अब लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा तो मैं डेट मेंशन कर दूंगा और फिर पूछ भी लूंगा कि कौन सा टाइम है ये। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।